दर्शन आप देख रहे हैं वर्ल्ड री रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल पर वेलकम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल क्या बेसल पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस हाउ सऊदीया सेव्ड पाकिस्तान फ्रॉम कोलैप्स। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद भी देते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से बच गया है फॉर नाउ। रीजन है ये इंसान मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में $25 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है। जुलाई के महीने में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक में $2 बिलियन डिपॉजिट, जिससे पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े। जिस देश के पास इम्पोर्ट बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, उन्हें एक लाइफलाइन मिली। पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉमिस किया है कि ऐसे ही वो कतार और कुवैत से भी $25 से $30 बिलियन लेकर आएंगे। पाकिस्तान क्या उनके एक्शन से पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रैक पर आएगी और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्रेस, जहां हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो से आपको हमारे दोस्त और नेबर को समझने में हेल्प होती है तो प्लीज हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। आज हम आपको एक ऐसे इंडियन ब्रांड से मिलाना चाहते हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मेको टूथसी। हम मेको टूथसी के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं? ये बताने से पहले मुझे आपको मेरी पर्सनल स्टोरी बतानी है। मेरे खुद के दांत प्रोट्रूडिंग थे, यानी आगे थे, जिससे मेरे स्पीच इम्पैक्ट होने के चांसेस थे। प्लस मुझे मेरी स्माइल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन तभी भारत में सिर्फ ट्रेडिशनल फिक्स्ड ब्रेसेस का ऑप्शन था, तो मैंने मेरे दांत सीधे करने के लिए ये वाले ब्रेसेस लगाए। तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आपके पास मेको टूथसी के इनविजिबल अलाइनर्स का ऑप्शन है। मेको टूथसी अलाइनर्स आपके टीथ गैप्स और क्रूकेड टीथ फिक्स कर सकते हैं, और कंपनी ये दावा करती है कि वो आपके टीथ गैप्स 6 महीने से 2 साल के बीच में फिक्स कर सकती है। कुछ ऐसे दिखते हैं और इन्हें यूज करते हुए लोगों को पता ही नहीं चलता कि आपकी ट्रीटमेंट हो रही है। ये अलाइनर्स धीरे धीरे आपके दांतों को उनके करेक्ट पोजीशन में लाते हैं। आपको बस मेको टूथसी की वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और एक फ्री 3D स्कैन बुक करना है। मेको टूथसी के एक्सपर्ट आपके घर आकर आपके टीथ स्कैन करते हैं और आपके जॉ और टीथ के शेप के अनुसार आपके कस्टमाइज अलाइनर्स बनाते हैं। या फिर आप चाहो तो मेको टूथसी के एक्सपीरियंस सेंटर में जाकर भी स्कैन करवा सकते हैं। इनविजिबल अलाइनर्स ट्रेडिशनल ब्रेसेस से ज्यादा एस्थेटिक लगते हैं। इनफैक्ट ऐसे माना जाता है कि इनविजिबल अलाइनर्स में ओरल हेल्थ मेंटेन करना ज्यादा आसान हो जाता है। इन्हें निकाल कर आप ब्रश कर सकते हैं और वापस भी पहन सकते हैं, जो ब्रेसेस में पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर आपके दांतों में गैप है जिसे आप फिक्स करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए टू बुक अ फ्री टीथ स्कैन विद मेको टूथसी। चैप्टर 1, अ क्विक रीकैप। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 30% था, पिछले 50 सालों में सबसे हाईएस्ट। लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे दौड़ रहे थे। एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान के पास सिर्फ अगले 30 दिनों की इंपोर्ट्स के पैसे थे, उसके बाद दी एंड। अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान पूरे सबकॉन्टिनेंट की वर्स्ट इकोनॉमी बन चुका था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देश के 3 फैक्टर्स को स्टडी करता है, हेल्थ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें 191 देशों में से पाकिस्तान की रैंकिंग थी 161। यानी पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लोएस्ट 35 देशों में से एक बन चुका था। और ऐसे समय पाकिस्तान के सारे दोस्तों ने पाकिस्तान को मदद करने से इनकार कर दिया था। इसमें IMF, UAE, यहाँ तक चाइना भी शामिल था। पाकिस्तान पिछले 75 ईयर्स में 23 टाइम्स IMF से मदद ले चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक इंटरेस्टिंग इकोनॉमी है, क्योंकि वो एक एड बेस्ड इकोनॉमी बन चुकी है। चलिए नंबर्स देखते हैं। पाकिस्तान के टोटल बजट में से 5,54,000 करोड़ एक्सटर्नल रिसीट्स, यानी उनके टोटल बजट का 32% हिस्सा बाहर से आता है, लोन के तौर पर या फिर मदद के तौर पर। लेकिन कोई भी फ्री में किसी दूसरे देश को मदद क्यों करे? वो देश इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। पाकिस्तान हर साल अपने बजट का 28.5% हिस्सा इसी लोन के रीपेमेंट में खर्च करता है। क्या आपको पाकिस्तान का प्रॉब्लम समझ आ रहा है? हर साल पाकिस्तान अपने टोटल इनकम में से 32% इनकम लोन के तौर पर कमाता है, और हर साल
उसी लोन के रीपेमेंट में 28.5% खर्च भी कर देता है। यानी जिस रीजन के लिए, फ्लड रिलीफ के लिए, रोड बनाने के लिए या एजुकेशन के लिए लोन दिया जा रहा है, उसके लिए उनके पास चंद पैसे ही बचते हैं। पाकिस्तान एक विशेष साइकिल में अटक चुका है, जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। इस साइकिल को तोड़े बगैर किसी भी लेवल का पैसा पाकिस्तान की प्रॉब्लम को नहीं सुलझा सकता, और ये पूरी दुनिया को पता है सिवाय इस इंसान की। MBS चैप्टर 2 पाकिस्तान का मसीहा। बात है 2019 जब MBS पाकिस्तान आए और उन्होंने 21 बिलियन डॉलर्स के MOU साइन किए, जिसमें से 12 बिलियन डॉलर से एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनने वाला था। कहाँ पर? ग्वादर बलूचिस्तान। तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और शाह महमूद कुरैशी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। लेकिन एक गलती की वजह से ये डील फेल हो गई। 2020 में पाकिस्तान ने OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। रीजन, क्योंकि उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ये 57 ऐसे मुस्लिम मेजोरिटी देशों का संगठन है जिससे सऊदी अरेबिया लीड करता है। ये बात सऊदी की लीडरशिप को बिल्कुल पसंद नहीं आई और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स का इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर हुआ। दो कैरेक्टर्स को याद रखिए, इनका रेफरेंस बाद में आएगा। ये एक पावरफुल स्टेटमेंट था कि अगर हमारी मदद चाहिए तो हमारी बातें सुननी होगी। अब सऊदी ने पाकिस्तान को एक और मौका दिया। कई लोग मानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया सिर्फ रिलीजियस रीजन के लिए एक दूसरे के साथ है, लेकिन सच और गहरा है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप सिर्फ रिलीजियस आइडियोलॉजी तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान गल्फ देशों का एक इंडिस्पेंसिबल डिफेंस पार्टनर है और पाकिस्तान उन्हें एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प कर सकता है, और वो है चाइना और ईरान की दोस्ती रोकना। चाइना पाकिस्तान में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। लेकिन ये चाइना के बड़े मास्टर प्लान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक छोटा हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना ईरान को भी इंक्लूड करना चाहता है। चाइना ने ईरान के साथ 400 बिलियन यूएस डॉलर्स का डील किया है, जिसका नाम है चाइना ईरान चाबहार। ज्योग्राफी की वजह से चाइना को ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करने के लिए पाकिस्तान की मदद लगी। सऊदी और ईरान सदियों से राइवल्स रहे हैं और चाइना सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। सऊदी ये एडवांटेज खोना नहीं चाहता। अगर ईरान और चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू करीब आए, उन्होंने पाइपलाइंस बिछाए, तो सऊदी का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर उनके सबसे बड़े राइवल से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। जियोपॉलिटिक्स के स्टेज पर ये बहुत बड़ी हार होगी। जैसे कई इंडियन सऊदी में काम करते हैं, वैसे ही कई पाकिस्तानी भी काम करने के लिए सऊदी जाते हैं। ये पाकिस्तानी एक्सपैट कम्युनिटी काफी बड़ी है। इन टोटल 25 लाख पाकिस्तानी सऊदी में, जो हर साल 691 मिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस के तौर पर पाकिस्तान भेजते हैं। इस बड़े टैलेंट पूल के घर पर स्टेबिलिटी बनाए रखना सऊदी के इंटरेस्ट में। हो सकता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस, सऊदी ने पाकिस्तान को मदद करने का डिसीजन लिया और उसी समय जिन दो लोगों ने OIC और इनडायरेक्टली सऊदी को क्रिटिसाइज किया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया। चैप्टर 3 चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। MBS की मदद एक लाइफलाइन है, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान का क्राइसिस खत्म हो जाएगा? घंटा चलिए पाकिस्तानी इकोनॉमी के कुछ और इश्यूज को समझते हैं। सबसे बड़ा इशू है करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब क्या है? भाई आया है समझा कर रहेगा। जब एक देश के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होते हैं तो नेट आउटफ्लो जनरेट होता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज का पैसा बेसिकली US डॉलर देश के बाहर जाता रहता है। ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने वाले देश के लिए काफी टेंशन की बात होती है। सरप्राइजिंगली मार्च से जुलाई इन 5 महीनों में पाकिस्तान ने ट्रेड अकाउंट सरप्लस में चलाया, यानी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा थे। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए थे, लोगों के लिए बाहर से चीजें इंपोर्ट करना इम्पॉसिबल कर दिया था, जिससे पिछले साल के कंपैरिजन में इंपोर्ट्स 27% गिरे। लेकिन ये एक टेम्पररी मेजर है ताकि डॉलर्स पाकिस्तान के बाहर ना जाएं। MBS ने दिया हुआ पैसा इनफ नहीं है, पाकिस्तान को अल्टीमेटली IMF से बेल आउट लेना ही होगा। और जब पाकिस्तान IMF से बेल आउट लेगा तो IMF अपने कंडीशन सामने रखेगा, जिसमें से एक कंडीशन इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटाने की जरूर होगी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगले साल फिर से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए सोल्यूशन यही है कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाओ और दुनिया को बेचो। दूसरा चैलेंज है
गिरता हुआ रुपी, इंडियन रुपी नहीं पाकिस्तानी रुपी। सिचुएशन ऐसी है कि एक अमेरिकन डॉलर खरीदने के लिए पाकिस्तान को 308 रुपए देने होंगे। पिछले एक हफ्ते में ही पाकिस्तानी रुपी डॉलर के मुकाबले 6% से गिरा है और मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो रिलीज होने तक और भी गिरेगा। ये ग्राफ देखिए, 2018 में एक डॉलर खरीदने के लिए पाकिस्तान को अपने 110 रुपए देने पड़े। 2019 आते आते ये आंकड़ा 140 तक गया। पिछले साल मई के महीने में 200 का आंकड़ा क्रॉस हुआ और अब 300 भी क्रॉस कर चुका है और ये पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है, क्योंकि उन्होंने लिए हुए लोन्स डॉलर्स में ही है, उनकी किस्तें यूएस डॉलर्स में ही चुकानी पड़ती हैं। जितना डॉलर महंगा होता जाएगा उतना उनका लोन भी महंगा होता जाएगा, डेट बर्डन बढ़ता जाएगा। इसे हाई डेट सर्विसिंग कॉस्ट कहते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है इमेज। देखिए, कुछ देश होते हैं जिनके पास पावर होती है, उनकी इकोनॉमी या फिर मिलिट्री की वजह से दूसरे देश उन्हें टॉलरेट करते हैं। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। कुछ देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनके ऑयल या फिर माइंस की वजह से दूसरे देश उन्हें टॉलरेट करते हैं। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। कुछ देश डेमोक्रेसी या अच्छी लीडरशिप की वजह से दुनिया में इज्जत कमाते हैं और पाकिस्तान के पास। इस वीडियो पर हमने पिछले महीने काम शुरू किया और वीडियो का काम खत्म होते होते पाकिस्तान की लीडरशिप बदल चुकी थी। हमें एक वीडियो बनाते हुए भी सर्टेंटी नहीं होती कि थंबनेल पर किस लीडर का फोटो होना चाहिए, तो इन्वेस्टर्स को सर्टेंटी कहां से आएगी? ये सारे इश्यूज पाकिस्तान के कोर इश्यूज हैं, जिन पर काम किए बगैर सारे सॉल्यूशंस सिर्फ बैंडेड सॉल्यूशंस होंगे। चैप्टर 4, Is there hope? As an Indian, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पाकिस्तान की हालत को देखकर मजा आ रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होना हमारे लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जब पड़ोस में आग लगती है तो धुआं हमारे घर पर भी आता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2020 में जब चाइना में कोविड और लॉकडाउन चल रहा था, तब उनकी इकोनॉमी सफर कर रही थी, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चाइना ने गलवान वैली में भारत पर अटैक किया और इस वजह से हमने हमारे वीर जवान खोए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, उन्होंने न्यूक्लियर हथियार कैसे पाए इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसे मिस मत कीजिए। पाकिस्तान की जिन कोर प्रॉब्लम्स की हमने बात की, वही कोर प्रॉब्लम्स भारत में भी हैं, जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट। हम आत्मनिर्भर भारत की बात तो करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे इम्पोर्ट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट भी। ये डेफिसिट 67 बिलियन डॉलर्स है, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डॉलर का आउटफ्लो होने वाला है। हमें कमर कसकर नेट इम्पोर्टर देश नहीं नेट एक्सपोर्टर देश बनने की जरूरत है, नहीं तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी राह देख रहा है। सोर्सेस कहते हैं जनरल मुनीर ने पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को ये प्रॉमिस किया है कि अब पाकिस्तान IMF से मदद नहीं लेगा, क्योंकि IMF के बेल आउट पैकेजेस काफी रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं होता। ये स्टेटमेंट अगर सच है तो काफी डेंजरस है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 2022 में पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए थे उसके रिलीफ के तौर पर पाकिस्तान को 9 बिलियन डॉलर्स मिले थे, लेकिन ऑन ग्राउंड ये पैसा विक्टिम्स तक नहीं पहुंचा। सेविंग्स इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, फॉर्मूला काफी सिंपल है, लेकिन यही फॉर्मूला बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी नहीं समझ पाते। पाकिस्तान आज भी अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, हर साल कुछ 1.5 लाख करोड़ मिलिट्री पर खर्च होते हैं। पाकिस्तान का 40% पैसा सिर्फ मिलिट्री एक्सपेंसेस में और लोन के हफ्ते चुकाने में निकल जाता है। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इनके लिए कुछ पैसा बचता ही नहीं है। यही पाकिस्तान की सैड रियलिटी है। पाकिस्तान की जनता को यही होप करनी चाहिए कि आने वाली मदद सही काम के लिए यूज हो, नहीं तो कल उठकर पता चलेगा कि आए हुए सारे पैसे इंडिया पाकिस्तान मैच के 50 लाख के टिकट खरीदने में खर्च हो गए और इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने में स्पेंड हुआ ठेंगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेक श्योर टू चेक आउट मेको टूथ्सीज वेबसाइट फॉर देयर इनविजिबल टीथ अलाइनर्स। ये टीथ अलाइनर्स मेटल ब्रेसेस की तरह आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर देते हैं टू गिव यू अ कॉन्फिडेंट स्माइल। अपना फ्री टीथ स्कैन बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना ना भूलिए। Because only a fool learns from his own mistakes, a wise man learns from the mistakes of others. और यही important बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। Hey दोस्तों, thank you so much for watching this video till the end. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारे पाकिस्तान एक्सप्लेन सीरीज के पहले वाले वीडियोस मिस कर दिए हैं, तो आप उन्हें यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। हाउ इंडिया वर्क्स में हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि भारत कैसे चलता है, उनके वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। तो वीडियो तो होगी खत्म, जिस तरह वीडियो में वो बता रहे थे अनुज के, क्या उसके भाई का नाम है,
अभी और अभी इस मियां बीवी भाई बिल्कुल जो है ना परफेक्ट बात उन्होंने की है। जिस तरह वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कहां से, वो तो हमें भी पता है क्या हाल सही बात की है भाई। पाकिस्तान को सेव करने में मोहम्मद बिन सलमान का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे ख्याल में 2 बिलियन उन्होंने रखाया है पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और मेरे इतने ही यूएई ने रखाए हैं। तो मैं कहता हूं जब भी कोई मुश्किल पाकिस्तान पे आन पड़ी है तो इन दो ममालिक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाइना ने भी हेल्प की है लेकिन इतनी नहीं की जितनी सऊदीया और यूएई करते हैं। दोनों ने की है, मैं तीनों ममालिक ने की है। मैं अब मुझे थोड़ी सी समय लगी कि यार किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप बहुत कहते थे मैं इंडिया की जो भी है तो मैं मुझे महसूस मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सऊदी अरेबिया की। हम कह रहे हैं ना कि वो G20 में गया तो वो हमारा दोस्त था वो, इस तरह नहीं भाई। उन्होंने ठीक किया, उन्होंने अपना मुफाद देखना, तो हमारे वो हमें कब का देख रहे यार ये कभी कहीं सुधर जाएंगे लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने यार देखे 2 मिलियन जिनको मांगने की जरूरत, जो मांगते हैं ना वो कभी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, तो इस वजह से उनको मांगने की लत लग चुकी है जिसकी वजह से ना ये कभी भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकेंगे। तो यही बात है भाई, वो अपने मफाद को देख रहे हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही, जो भाई ने कही बात की है कि 25 बिलियन वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जुलाई के महीने में हो, जुलाई के पिछले जो महीना गुजर चुका है इसमें करेंगे या आने वाले में, इस बात की मुझे कंफर्मेशन नहीं है। नहीं बताया भी नहीं उन्होंने, हाँ कि 2023 में कि 24 में होना है, मेरे ख्याल में 23 में था, पर उन्होंने किया तो नहीं है। बैंकों में जो रखाया पैसा वो तो हमें पता है, नहीं तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाना था। उन्होंने ये सूरत में देखा कि यार पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला, तो चलो इनका ये ना पैसा रखवा देते हैं, ये शर्त पर है कि आप उसको यूज नहीं करेंगे। IMF से जो इनको मेरे ख्याल में मिलती है ना, ये बात मैं सुन के काफी हैरान हूँ कि मेरे ख्याल में 23 टाइम 75 सालों में 23 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास गया है बेल आउट के लिए। यार मेरे ख्याल से सबसे पहले जो लोन लिया था वो लिया था जनरल मुशरफ ने, मेरे ख्याल से लिया था, सुनने में आता कि जनरल मुशरफ ने सबसे पहला लिया था, तो वो 99 में जो है ना। और देख ले आप 28.5 मेरे ख्याल में बिलियन है मेरे ख्याल में वो किस्त जो है ना IMF को रिटर्न करते हैं, बजट का जो 28.5% जो है ना वो बजट कुल बजट का वो चुका देते हैं IMF को, थोड़ा थोड़ा ये कर्जे का सूद वगैरह देते हैं। हाँ। उसकी बात की जा रही है, तो ये देखिए मैं कहता हूँ कि ये तो ऐसे ही चलेगा शुरू से लेकर जैसे चल रहा है। बांग्लादेश जब था, जब टूटा है तो इन्होंने मेरे ख्याल में कोई नसीहत नहीं पकड़ी। हम पाकिस्तानियों ने जो भी हुक्मरान आए हैं या जो भी लीडर्स आए हैं उन्होंने ये नसीहत नहीं हासिल की कि जो पहले हमने हमारी गलतियों या कुताहियों की वजह से बांग्लादेश अलग हुआ है, तो हम आने वाले वक्तों में जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के बने हुए हैं इनसे कुछ सीख लें। उसी तर्ज पे जा रहे हैं, उसी ट्रैक पे जा रहे हैं जैसे पहले बांग्लादेश टूटा था। तो आने वाले वक्तों में मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान, जैसे साजिद तारर ने पिछली वीडियो में कहा था कि उसने कहा कि पाकिस्तान या तो टूट जाएगा या फिर ऐसे चलता रहेगा या फिर ये जो भीख ले रहे हैं ऐसे ही गुजर बसर कर रहे हैं, कोई तरक्की नहीं, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही है क्योंकि सालाना बजट का 35% जो है वो एड्स के जरिए आ रहा है पाकिस्तान में, 35% और 100 जो ममालिक की लिस्ट में सबसे नीचे है, 161 नंबर पे पाकिस्तान है। आप हिसाब लगा रहे हर चीज से भी नीचे है, इंसाफ के लिए जैसे इंडिया हर चीज में आगे जा रहा है, पाकिस्तान ऐसे हर चीज में नीचे जा रहा है। जा क्या रहा है, मैं तो कहता चला गया नीचे। पहले इतना नहीं था, ये भी 2-3 सालों में ना 2020 से लेकर 2023 अब ये ज्यादा जो है ना पाकिस्तान डाउन हो गया। जो आता है हमारे पाकिस्तान में तो जो भी आता है वो अपना पेट पालता है, चाहे जो भी हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पॉलिटिशियन सारे चोर हैं, कोई होगा, लेकिन जितने भी आए हैं उन्होंने अपना पेट पहले भरा, कोई अवाम का नहीं देखा, सोचा नहीं है कि अवाम हमारी किस तरफ डगर में जा रही है, हमारा मुल्क किस डगर में जा रहा है। आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, कोई सोचने वाला नहीं, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, सभी इसको लूटने पे लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है मुल्क तो डूबे ही गए। तो इस वीडियो के टॉपिक जैसा है कि
मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को सेव किया, तो मैं कहता हूं ये बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का, सऊदी अरेबिया का भी हाथ है पाकिस्तान को मुश्किल घड़ी में साथ देने पर, और यूएई तकरीबन उसने भी हेल्प की है, चाइना भी करता रहा है, लेकिन बाद में आके इन्होंने सभी ने हाथ खड़े कर दिए, चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए, यूएई ने और आईएमएफ ने भी, और मुश्किल से मेरे ख्याल में उन्होंने 2 बिलियन दिए। यार मेरे भाई तो सऊदीया जो है मुझे लगता है कि वो वाकई जब भी मुश्किल घड़ी आई है पाकिस्तान पे, टफ टाइम आया है, तो सऊदीया पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, उसने पाकिस्तान को सेव किया, बिल्कुल भाई किया है, नहीं तो मुझे लगता था कि डिफॉल्ट हो जाना था। 2 मिलियन डॉलर को थोड़ा आम सी रकम नहीं है, ये ना होता तो हम चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली एक बात यह है कि कब तक, आखिर कब तक आप मांगे तांगे के कपड़े हों या जूते हों या पैसे हों कब तक इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल, अपना तो कुछ है ही नहीं, मारे शर्म नहीं आती हमारे इन जो मुल्क के हुक्मरान हैं, जो सियासी पार्टीज हैं, जो लीडर्स हैं, उनको शर्म बिल्कुल नहीं आती कि हमारा मुल्क किस डगर पे चला गया है। अब मेरे ख्याल में जनरल साहब ने कुछ एक्शन लिया है तो थोड़ा सा जो है डॉलर भी नीचे आया है, चीनी का भी थोड़ा सा रेट कम हुआ, तो ये काम फौज के तो नहीं करने वाले, इन सियासतदानों को करने वाले नहीं है, लेकिन हमारी फौज शुरू से कार्य करना होता तो उस वक्त कर रहे थे जब 150 डॉलर था, 200 के नीचे था, अब कर रहे हैं, अब करने का फिर क्या फायदा, करेंगे तो थोड़ा बहुत ही नीचे आएगा। इसलिए आपने, मैंने थोड़े से ना आगे पॉलिटिशियन के बात की है तो मैं बताऊं कि मैंने एक कल वीडियो देखी थी, तो उसमें मोहसिन नकवी जो हमारे इस वक्त सब चोर है भाई, उसने वो लाहौर में गए थे, तो उन्होंने ना जो क्या उसका नाम है, चौंक है, मेरे नाम भूल गया, वहां पर बहुत बड़ा झंडा लगाया, तो उर्दू पॉइंट का एक रिपोर्टर था, तो उसने कहा सर आप झंडा लगा रहे, झंडा लगाने से कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पर किसी कंपनी को आने दें, उसके साथ मुआहदे करें, यहाँ पर आके कोई काम करे, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और मुल्क तब तरक्की करेगा, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल? इस लिहाज से मैं तो हकीकत में जो मैंने सुना है ना कि आने वाले वक्तों में वो तकरीबन 2070 में मेरे ख्याल में सुपर पावर बनेगा, जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ है, तो जिस तरीके से या जिस हिसाब से वो जा रहे हैं ना, तो हो सकता है भाई वो इस अपने गोल को अचीव जरूर करें, मुझे लगता है इससे पहले कर लेंगे भी इस तरह, क्योंकि मेहनत बड़ी कर रहे हैं भाई, मेहनत से है, मेहनत काम, मेहनत के लिए, मेहनत तो लाजमी है हर काम के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी दोस्तों का शेयर करें, मिलती है नया वीडियो।